Hello everyone, and very warm good evening to all of you. So जैसा कि आप सभी को मालूम है, we have already communicated. आज का जो important session है, that is about the tax audit report, that is the clause 44 in BSE. So दो दिन पहले ही ये feature हमने BSE में launch किया है, and it was very much demanded. ऑडिटर्स की ये काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है, एंड इट्स गोइंग टू सर्व देयर पर्पस. सो वी विल सी इन टुडेज वेबिनार सेशन कि कैसे हम लोगों को इसको कॉन्फ़िगर करना है, एंड व्हाट आर द वेरियस कॉलम्स अवेलेबल इन दिस रिपोर्ट. हर कॉलम का मतलब क्या है, व्हेन आपको क्लियर होगा मतलब हर कॉलम में कहाँ से वैल्यू जा रही है, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि जो आपके ऑडिटर्स आपसे पूछेंगे कि या आपके कस्टमर आपसे पूछेंगे कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि हर कॉलम का मतलब क्या है और इसमें वैल्यूज कहाँ से जा रही है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जिनसे ये वैल्यू कैच हो रही है. सो एज यूजुअल हम लोगों का फ्लो सेम रहेगा, एंड हम लोग विद द हेल्प ऑफ पीपीटी ओवरव्यू लेंगे इस फीचर का, एंड देन हम लोग बिजी में इसको देखेंगे. ओके, मेरा नाम कमल है, मेरे साथ पंकज हैंगे जो कि आपको बिजी में इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे, एंड करण एज यूजुअल इज विद अस, ही विल बी हैंडलिंग दी backend part and the technical part of the Zoom today. So, okay, so now we will start the session. Okay, so tax audit report, जो नई report है सिर्फ इसी को ही हम लोग discuss करेंगे आज की. है क्या tax audit report, किसको चाहिए ये और कैसी दिखती है ये busy के अंदर, और क्या क्या वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जब आप रिपोर्ट को देखने जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले तो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर्स. ठीक है, कि ऑडिटर्स को डेटा ऑडिट करना है या क्लाइंट्स जो है उनको अपना डेटा ऑडिट करवाना है ऑडिटर्स से, तो इसको रिपोर्ट को चला के तो ऑडिटर्स ही देखेंगे आपके. तो ये बहुत अच्छा एक हम लोगों का सेल पॉइंट भी है कि जो सीएज है, ऑडिटर्स है, उनको आप लोग अप्रोच कर सकते हैं इस रिपोर्ट को लेके, दैट वी हैव प्रोवाइडेड दिस फीचर. ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको ये चाहिए था, आपके क्लाइंट्स का आपको टैक्स ऑडिट करना था जो कि आपके जीएसटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर था, तो वी हैव प्रोवाइडेड दैट इन बिजी. तो एक इंफॉर्मेशन तो हम लोग पहुँचा ही सकते हैं उनके पास, और जो ऑडिटर्स यूजुअली अभी तक बिजी को प्रिफर नहीं कर रहे हैं उनके भी पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि वी हैव इन बिजी वी हैव गिवन दिस ऑप्शन, और ताकि वो भी आगे बिजी को यूज करना और रिकमेंड करना शुरू करें. ठीक है, जरूरत क्या थी इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, बेसिकली जो टोटल एक्सपेंडिचर है, देखिए एक्सपेंडिचर को मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे भी बताएंगे हम, प्रैक्टिकल भी देखेंगे. एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे परचेज प्लस एक्सपेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने का मीन्स कि उसको अलग अलग हेड्स में बांटना, उसको कैटेगराइज करना और उसको वेरीफाई करना कि हाँ अलग अलग हेड्स में मेरा इतना ही एक्सपेंडिचर हुआ है. तो ये हम लोगों का रिपोर्ट का कंसेप्ट है. ठीक है, तो ये भी जितना भी साल में या पीरियड में मेरा परचेज प्लस एक्सपेंस हुआ है और जो मैंने बिजी के अंदर एंट्रीज मेरी डाली हुई है, तो चाहे मैंने परचेज के थ्रू मेरा बुक किया हो, परचेज मेरा हिट किया उसके अंदर डेबिट हुआ हो, या मेरा एक्सपेंस मैंने हिट किया हो, एक्सपेंस को हम पेमेंट से भी कर सकते हैं और हम जर्नल के थ्रू भी बिजी में एंट्री डाल सकते हैं, तो सारा डेटा मेरा इस रिपोर्ट के अंदर आता है. सो ये तो एक ओवरव्यू है रिपोर्ट का. फिर हम लोग इसके कॉलम्स देखेंगे. देखिए मैं एक रिपोर्ट, मैंने ये डेटा में आपको चला के दिखाई है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये रिपोर्ट. तो इसमें वेरियस कॉलम्स है इसके अंदर. अब इन कॉलम को समझना ही इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है. जब आपके पास क्वेरीज आएंगी
या आप दिखाने जाएंगे किसी को, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई वुड रिपीट, कि डेटा कहाँ से किस कॉलम में जा रहा है। तो आप इस रिपोर्ट्स की कॉलम को समझ लीजिए, किस कॉलम में कहाँ से वैल्यू जा रही है, तो आप इस रिपोर्ट को इजीली कॉन्फ़िगर करवा पाएंगे। या आपको ट्रबल शूटिंग करना है, क्लाइंट कह रहे हैं कि डेटा गलत आ रहा है इस रिपोर्ट में, तो आप कैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे डेटा गलत आ रहा है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा इस कॉलम का मतलब क्या है। तो हम कॉलम ही समझेंगे इस पीपीटी में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है टोटल अमाउंट का कॉलम आ रहा है, एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद कंपोजिशन है, रजिस्टर्ड है, टोटल पेमेंट है, और मेरा अनरजिस्टर्ड आ रहा है इसके अंदर। तो ये सारे कॉलम्स है मेरे। हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो मेरा टोटल अमाउंट आ रहा है इसके अंदर, तो टोटल से ही, वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर मेरी कौन कौन सी वैल्यू आती है, यानी टोटल मतलब कि सम करके लेके आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं से। तो किस कॉलम के सम ये लेके आ रहा है? अगर मेरा एग्जेम्प्टेड का कोई एक्सपेंडिचर है, हम वर्ड यहाँ एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा वो हम परचेस और एक्सपेंस दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक कंबाइंड वर्ड हो गया इस आज की प्रेजेंटेशन के लिए, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स परचेस प्लस एक्सपेंसेस, ओके। मेरा एग्जेम्प्ट है, कंपोजिशन है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, किसी पे भी मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है वो मेरा टोटल के अंदर आ जाएगा, यानी मेरे जितने भी आपको कॉलम आगे देख रहे होंगे सबका टोटल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इन कॉलम्स का टोटल करूंगा। तो टोटल तो क्लियर है, वैल्यू क्लब होके आ रही है। अब कॉलम समझना है कि कॉलम्स में वैल्यू कहाँ आ रही है। कॉलम में वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली वो टोटल में एड मेरी होके आ जाएगी। एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी मेरा पहला है यहाँ पे, जो मेरी रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, अगर मेरा उनसे परचेज हुआ है एग्जेम्प्ट में, ठीक है। इसको इसको समझिएगा कि कोई भी मैंने एक्सपेंडिचर किया है, परचेज हुई है मेरी या मेरा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, लेकिन जिससे मैंने किया है, जो मेरी पार्टी थी, जो क्रेडिट मैंने किया है, जो मेरा क्रेडिटर है या जो मेरा सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड है, उसके पास प्रॉपर जीएसटी नंबर है, बट ट्रांजेक्शन मेरी जो है वो टैक्सेबल नहीं है, तो मेरा वो एग्जेम्प्ट के अंदर आ जाएगा। चाहे वो एग्जेम्प्ट हुई हो मेरी, चाहे वो मेरी फिर जीरो रेटेड हुई हो, चाहे मेरी निल रेटेड हुई हो, लेकिन जो है मेरी जो पार्टी थी वो रजिस्टर्ड थी और उसने टैक्स नहीं लगाया है, तो वो मेरा एग्जेम्प्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर है एग्जेम्प्ट वाला। अब आता है हमारा, देखिए सेकंड में आप देखिए कंपोजिशन के अंदर, कि मेरे एक्सपेंडिचर जो कंपोजिशन के मेरे है, कंपोजिशन में बहुत इजी है, दो तरीके से मेरी इसमें वैल्यूज आ रही है एक्सपेंडिचर की, या तो जो मेरी पार्टी है, ठीक है, जिससे मैंने एक्सपेंस किया है, बुक किया है, जिस पार्टी के अगेंस्ट मैंने किया है, या जिस पार्टी से मैंने परचेज किया है, या तो उसके मास्टर में मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ये कंपोजिशन डीलर पे है और मैंने उसका कंपोजिशन की डिटेल डाली हुई है, या मैं परचेज कर रहा हूँ और मैंने परचेज टाइप में डिफाइन कर दिया कंपोजिशन, या मैं पेमेंट के थ्रू या जर्नल के थ्रू मेरा एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, और वहां पे मैंने ऊपर हमारे पास ऑप्शन आता है, आप लोगों ने देखा होगा, B2B है मेरा, टैक्स पेड है, वहां पे मैंने ले लिया कंपोजिशन का मेरा है, तो मेरा कंपोजिशन के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एग्जेम्प्ट हमारा क्लियर हो गया कि पार्टी रजिस्टर्ड थी, टैक्स लगाया नहीं है उसने, एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है या एग्जेम्प्टेड के अंदर ही डाल दिया, जीरो रेटेड है, तो मेरा एग्जेम्प्ट के अंदर वो आ गया। कंपोजिशन मैंने बता दिया, या तो पार्टी में आपने डिफाइन किया था या ऊपर हेडर में आपने बता दिया कंपोजिशन है, ठीक है। देखिए नाम से ही सब क्लियर है कि किस कॉलम का क्या मतलब है, कहाँ से वैल्यूज उसके अंदर आ रही है। आगे चलते हैं, रजिस्टर्ड एंटिटी, इस कॉलम में वैल्यू कहां से आएगी मेरी, ठीक है। ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसे एक्सपेंडिचर की ट्रांजेक्शन मेरी जो कि उन पार्टी से हुई है जो कि रजिस्टर्ड है एज ए रेगुलर डीलर, देखिए रजिस्टर्ड तो कंपोजिशन भी हो सकता है, यूएन भी हो सकता है वो, और मेरा जो है गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकता है, तो अलग अलग केसेस में कैसे होगा। देखिए अगर वो कंपोजिशन है तो वो जाएगा मेरा कंपोजिशन के अंदर, अगर वो रेगुलर डीलर है, मेरा यूआईएन होल्डर है, या मेरा जो है वो गवर्नमेंट बॉडी है,
तो उन सब का मेरा रजिस्टर्ड के अंदर यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। कोई भी परचेज मेरी एक नॉर्मल हुई है किसी रजिस्टर्ड डीलर से, हम रजिस्टर्ड का ही केस लेके चलते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है, मैंने परचेज किया है और जो है मैंने उसमें या तो वो टैक्स पेड हो गया या मैंने टैक्स लगाया है बिल के अंदर, ठीक है, एग्जेम्प्टेड नहीं है वो मेरा, नील रेटेड नहीं है, जीरो रेटेड नहीं है, मेरे टैक्सेबल ट्रांजेक्शन है, तो वो मेरा रजिस्टर्ड के अंदर वैल्यू फॉल करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा मैं और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। अगर पार्टी मेरी, देखिए कंपोजिशन का तो क्लियर हो गया है, अब रजिस्टर्ड के केस में वो दो जगह वैल्यू फॉल कर सकता है, या तो वो रजिस्टर्ड के कॉलम में आएगा या वो एग्जेम्प्ट के कॉलम में आएगा। एग्जेम्प्ट भी मेरा रजिस्टर्ड से ही ट्रांजेक्शन हुई है लेकिन टैक्स नहीं लगाया उसके अंदर, वो टैक्स पेड भी नहीं था, वो मेरी एग्जेम्प्ट की ट्रांजेक्शन थी। लेकिन अगर वो टैक्सेबल ट्रांजेक्शन थी और रजिस्टर्ड ही पार्टी थी तो वो रजिस्टर्ड के इस कॉलम में मेरे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटी। ठीक है, कॉलम का नाम यहाँ पे जो है टोटल पेमेंट जरूर है, बट इट इज सब्जेक्ट टू रिवाइज है। इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आ रही है मेरी, जो कि मेरी एग्जेम्प्ट कंपोजिशन या रजिस्टर्ड हेड्स में मेरी जो वैल्यू गई है उन सब का टोटल यहाँ पे कर देंगे तो मेरा टोटल पेमेंट में आ जाएगा। यानी कि मैं अगर अनरजिस्टर्ड को छोड़ दूंगा, देखिए एक अनरजिस्टर्ड का भी कॉलम है, उसको अभी बाद में समझेंगे। ठीक है, मेरा नंबर टू कॉलम था एग्जेम्प्ट, नंबर थ्री था कंपोजिशन, उसके बाद था रजिस्टर्ड, इन तीनों को जोड़ देंगे वैल्यू। ठीक है, तो आप बस ये समझ लीजिए वो टोटल पेमेंट के अंदर फॉल मेरी कर रही है। इसका पेमेंट का हेड पे मत जाइएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट हुई है उसकी, ये इन तीनों कॉलम की वैल्यू जिसके अंदर आ रही है। तो जितना भी मेरा एग्जेम्प्ट में होगा, कंपोजिशन में होगा, रजिस्टर्ड में होगा, कॉलम टू थ्री फोर को आप प्लस कर देंगे तो मेरा टोटल पेमेंट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी ये कंफ्यूजन माइंड में ये भी हो रही होगी कि टोटल अमाउंट और टोटल पेमेंट में क्या डिफरेंस है, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे अभी आगे। फिर आता है कि मेरा अनरजिस्टर्ड का भी एक कॉलम है, उसमें कहाँ से मेरी वैल्यू जाएगी। तो अनरजिस्टर्ड, तो अगर पार्टी आपकी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है मीन्स आपने ना तो कंपोजिशन में है, ना वो रेगुलर डीलर है, ना वो यूआईएन होल्डर है, ना गवर्नमेंट बॉडी है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो क्लियर है कि मेरी अनरजिस्टर्ड के अंदर ट्रांजेक्शन चली जाएगी। ठीक है, तो पार्टी में जो डिफाइन होगा, पार्टी में अगर आपने बता रहा है वो अनरजिस्टर्ड है तो वैल्यू सारी मेरी इस कॉलम के अंदर वो आ जाएगी। ठीक है, तो आप जब रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले मिलेगी कहाँ पे, बिजी में आप जाके कहाँ ढूंढेंगे इस रिपोर्ट को, तो यू हैव टू गो टू द जीएसटी रिपोर्ट। और जीएसटी रिपोर्ट में ऑलरेडी एक कैटेगरी बनी हुई थी जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट की, तो उसके अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको अब अलग से दिखाने लग जाएगा। वहां जाके आपको डेट पूछेंगे, डेट रेंज दे दीजिए, और फिर वो पूछता है आपसे लेजर बैलेंस और नोशनल अमाउंट दिखाना है नहीं दिखाना। देखिए ये दोनों जो है इन चीजों पे फोकस करना। अब लेजर बैलेंस और जो नोशनल अमाउंट है गवर्नमेंट ने नहीं मांगा है ये, फिर भी हमने दिया है क्योंकि रिपोर्ट की अगर ऑथेंटिसिटी हमें बढ़ानी हो, डेटा वेरीफाई करना हो, इसलिए ये कॉलम दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप एक बार रिपोर्ट वेरीफाई करके उसके बाद नो करके इसको खोल के रिपोर्ट उस फॉर्म में निकाल सकते हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए। तो लेजर बैलेंस तो ऑब्वियसली जो उसका लेजर बैलेंस होगा उस पार्टी का, तो आप रिपोर्ट पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो उस पार्टी का जो लेजर बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये क्यों लेजर बैलेंस यहाँ पे दिया गया, देखिए जितने भी कॉलम्स यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी के अंदर कुछ मिसमैच है, अगर टोटल अमाउंट जो है मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो लेजर से मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, आइडियली मैच होना चाहिए वो जो टोटल अमाउंट है उसी को लेज, क्योंकि पार्टी की जितनी भी ट्रांजेक्शन है हमारी फॉल कर गई है इन कॉलम्स में, फिर भी अगर मेरा टोटल अमाउंट मैच नहीं हुआ है लेजर अमाउंट से, तो एक नया कॉलम हमने यहाँ पे दिया है नोशनल अमाउंट का, वो डिफरेंस दिखाएगा आपको मेरा टोटल अमाउंट कितना था, मेरा लेजर अमाउंट कितना है, दोनों में डिफरेंस अगर कुछ आ रहा है तो वो नोशनल में आ जाएगा। ठीक है, लेजर तो क्लियर है, हमने समझ लिया लेजर बैलेंस है क्या,
टोटल अमाउंट जो है उस पार्टी का सारे कॉलम से एग्जेम्प्ट कंपोजिशन रजिस्टर टोटल पेमेंट अनरजिस्टर्ड सबको मिला दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बच गई मेरी जो कि किसी हेड में फॉल नहीं कर रही है तो वो नोशनल में आ जाता है। तो नोशनल को समझ लेते हैं इसमें क्या आ सकता है मेरा। देखिए नोशनल के अंदर दो तरह की चीजें आ सकती है। एक तो आप सभी लोग यू आर ऑल आर वेरी गुड इन अकाउंटिंग तो आपको ये तो मालूम होगा कि जो मेरे एक्सपेंस होते हैं सेल परचेज होते हैं रेवेन्यूज अकाउंट जो होते हैं वो उनका बैलेंस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, उनका ओपनिंग तो होता ही नहीं है, बट किसी ने डाल दिया, काम शुरू किया था गलती से डाल दिया, ठीक है, तो लेजर बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। ओपनिंग डाल दोगे अगर आप किसी एक्सपेंस का, एडवर्टाइजमेंट का आपने ओपनिंग डाल दिया, ठीक है, तो वो लेजर में तो दिखाएगा उसका वहां पे, आइडियली नहीं होना चाहिए था ओपनिंग बट फिर भी डाल दिया किसी ने, तो लेजर बैलेंस मिसमैच कर जाएगा आपका, किससे मिसमैच कर जाएगा, जो आपका टोटल अमाउंट आ रहा है, तो वो फिर ओपनिंग को यहां दिखाने लग जाएगा आपका, तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं नोशनल पे एंटर मार के कि उसके अंदर मेरा एक अमाउंट डला हुआ है। डिटेल में आपको पंकज दिखा देंगे रिपोर्ट, ये चला के एंटर मार के मल्टीपल ऑप्शन आपको सारा समझा देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास अगर किसी की ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें पार्टी नहीं थी आपकी, मान लीजिए कि आपने सैलरी डेबिट करके सैलरी पेबल कर दिया, सैलरी पेबल ना तो रजिस्टर्ड डीलर है ना अनरजिस्टर्ड डीलर है, लेजर को उसने आपके हिट कर दिया सैलरी के, ठीक है, लेकिन वो फॉल कहाँ करेगा, ना तो रजिस्टर्ड डीलर से हुआ ना अनरजिस्टर्ड पेबल, तो मेरा जो है करंट लाइबिलिटी में आ गया ना, तो वो फिर नोशनल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है इस तरीके की जिसको आपने अभी पीपीटी के माध्यम से समझा और ब्रीफ में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बट बिजी में कैसे एंट्री करके कौन सा कॉलम हिट कर रहा है और कैसे आप एंटर मार के इसी रिपोर्ट से मल्टीपल चीजें देख सकते हैं, तो पंकज आपको अब आगे की जर्नी में लेके जाएंगे। मैंने पंकज अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया, सो यू कैन शेयर नाउ। ओके थैंक यू कमल, थैंक यू, ओके ओके पंकज ओवर टू यू। थैंक यू कमल एंड वेलकम ऑल। जैसे कि मेरा स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा होगा, कमल मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है आपको? यस पंकज इट इज विजिबल। ओके राइट, थैंक यू। तो आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, तो हमने इसमें एक ओपन किया है, सैंपल कंपनी लिया है, सेम सैंपल कंपनी जो आपको कमल ने दिखाया था। जैसे कि उन्होंने बताया आपको ये सेक्शंस हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे आप, जीएसटी रिपोर्ट्स में सबसे लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट्स है और ऑडिट रिपोर्ट्स में सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44। जैसे एंटर करेंगे आपको ये पूछेगा स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज। ये जो मांगा गया है ये पूरे साल भर के लिए मांगा गया है, इसलिए हम फर्स्ट डे टू लास्ट डे दिखा रहे हैं। और साथ में जैसे कि आपको कमल ने बताया था, सो लेजर बैलेंस ऑब्लिक नोशनल अमाउंट, नोशनल अमाउंट और लेजर बैलेंस भी चाहिए या नहीं चाहिए, आपने कहा नहीं चाहिए, तो ये जैसे आपने कहा नहीं चाहिए तो आपके पास में एक बन के आ जाता है, ये रिपोर्ट बन के आ जाता है। जैसे कि देख रहे हैं टोटल अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी मींस रजिस्टर्ड एंटिटी से आपने जो है परचेज या पेमेंट या जर्नल के थ्रू से एंट्री किया हुआ है, बट उसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, टैक्स नहीं है, मींस इसमें दो चीज हो गया, एक तो आपका एक्सपेंस हो गया जो एक्सपेंस आपका जीएसटी अप्लीकेबल है। इसमें भी आपने देखा तीन सेक्शंस है, एक तो है जीएसटी अप्लीकेबल, एक है नॉन जीएसटी, एक जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। नॉन जीएसटी और जीएसटी नॉट अप्लीकेबल में सेकंड राउंड में जाएंगे, पहले हम देखते हैं जीएसटी अप्लीकेबल। ये जीएसटी अप्लीकेबल सेक्शंस में कौन आएगा, वैसे एक्सपेंस, वैसे परचेज जिसमें जीएसटी अप्लीकेबल है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, इसको मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ, तो जीएसटी टाइप जिसमें जीएसटी अप्लीकेबल होगा तो जीएसटी अप्लीकेबल सेक्शन में जाएगा, जो नॉन जीएसटी है वो नॉन जीएसटी सेक्शन में जाएंगे, और जिसमें जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है तो जीएसटी नॉट अप्लीकेबल में जाएगा। ये सारे जो अंडर ग्रुप ऑफ एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा या परचेज के ग्रुप जो होंगे वो आएंगे। तो आपको कमल ने एक टर्म्स दिया था एक्सपेंडिचर, हम भी उसी टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेकेंड है, देखिए सेकेंड है पार्टी, जब सेकेंड पार्टी है जो बैंक है या डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, अब उसका नेचर क्या है, वो नेचर कहाँ से आएगा, टाइप ऑफ डीलर।
जैसे हमने कहा यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर है और जीएसटी नंबर है, तो हमें यहाँ ये यह समझ में आ गया। अब यहाँ पे जीएसटी नेचर में नॉट एप्लीकेबल है, अगर आप इस जनरल वाउचर को देखते हैं तो जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल है, बट हमें ये इसमें एक्सपेंस में जीएसटी एनेबल है और पार्टी जो है हमारा वो रजिस्टर्ड है, इसका मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगा, एक्सपेंसेस ये एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगा एग्जेम्प्ट है, क्योंकि अगर बी टू बी कोई ट्रांजेक्शन होता है और टैक्स नहीं लगता है तो दैट मीन्स अज्यूम्ड होता है वो जो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या जीरो रेटेड है। तो ये चला गया आपके एक सेक्शन में, जिस सेक्शन का नाम है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी। सेकेंड हम लेके चलते हैं, एक हमारा बैंक चार्जेस है जिसमें एक्सपेंस अंडर कंपोजिशन स्कीम। अब पार्टी तो रजिस्टर्ड है लेकिन वो रजिस्टर्ड जनरल रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कंपोजिशन रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन है उनका, तो देख लेते हैं एक बार कंपोजिशन में चले गए। जैन इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हैं, इसको मॉडिफाई करके देख लेते हैं, तो ये जो टाइप ऑफ डीलर है ये कंपोजिशन वाले डीलर है, इसीलिए इसको अलग हेड में मांगा गया है, तो इसे अलग हेड में हम दिखाते हैं। सेम वही है, बैंक चार्जेज जो है इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। थर्ड है हमारा एक्सपेंस अंडर रजिस्टर्ड एंटिटी, मीन्स इसमें रजिस्ट्रेशन भी है। अब देख लेते हैं, आप बैंक चार्जेज देख लीजिए, हमने चेक कर लिया था जीएसटी एप्लीकेबल है, पाइन लैब प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। अब ये देखिए रजिस्टर्ड भी है और इसमें आईजीएसटी भी लगा है। अब इस विंडो से आप बिल्कुल नहीं जाइएगा, हो सकता है इस विंडो में आईजीएसटी लगा हो, रजिस्टर्ड एक्सपेंस बी टू बी हो, बट यहाँ जो है सेकंड विंडो जो है जीएसटी नेचर एज पर पार्टी मास्टर और या एज पर जो सेकंड विंडो है, और सेकंड विंडो में आपने जो टैक्सेबल अमाउंट टैक्स अमाउंट इनपुट सर्विसेज डाला हुआ है, तो इसका मतलब है ये रजिस्टर्ड हुआ बी टू बी हुआ। अगर सेकेंड विंडो नहीं है तो प्राइमरी विंडो से लेगा, प्राइमरी विंडो जो है मैं नहीं सेकेंडरी विंडो है तो वो सेकेंडरी विंडो से लेगा, जो प्रायोरिटी होगी सेकेंडरी विंडो देन प्राइमरी विंडो। टोटल पेमेंट, ये टोटल पेमेंट जो है जैसे कि आपको कमल ने बताया, दिस इज फ्रॉम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड एंट्री कंपोजिशन एंड बी टू बी रजिस्टर्ड एंट्री, एग्जाम्प्ट कंपोजिशन और रजिस्टर्ड, ये तीनों को मिला के जो होगा वो होगा टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंट्री। यहाँ लिखा हुआ है टोटल पेमेंट जो है, ये टर्म्स जो है माइट भी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट ने अभी एज इट इज दिया है तो हमने भी कैप्शन भी एज इट इज यहाँ पे लगाया हुआ है, बट हमें लगता है ये चेंज हो जाएगा, ये रजिस्टर्ड एंट्री से हमने कितने एक्सपेंडिचर किया है, ये टोटल ये है, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपोजिशन में हो या वो हमारा एग्जेम्प्टेड हो या वो रजिस्टर एंट्री जिसमें टैक्स लग के आया हो, ये तीनों आ गया। इसके बाद में एक चौथा है हमारा अनरजिस्टर्ड एंट्री, वो अनरजिस्टर्ड एंट्री देख लेते हैं। हमने देखा कैश, कैश आपको सब पता है ये अनरजिस्टर्ड होता है, तो अनरजिस्टर्ड में कितना आ गया। अब जो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है बैंक चार्जेस, यह है 654.59.98, तो ये कहाँ से आया, ये आया टोटल पेमेंट प्लस अनरजिस्टर्ड इक्वल टू टोटल अमाउंट, या दूसरे टर्म्स में कहते हैं जो हमारा एग्जेम्प्टेड है, कंपोजिशन है, रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, या हम कहते हैं टोटल पेमेंट जो है वो तो तीन जुड़ा हुआ है ही, एग्जेम्प्टेड, कंपोजिशन और रजिस्टर्ड, तो टोटल पेमेंट प्लस अनरजिस्टर्ड इक्वल टू टोटल अमाउंट, यहाँ की लॉजिक ये है। गवर्नमेंट एक्चुअल ने इस फॉर्म में मांगा है, उन्होंने गवर्नमेंट का जो फॉर्म है ये है। अब जो दिक्कत आती है, किसी ने जैसे कमल ने कहा किसी ने ओपनिंग डाल दिया एक्सपेंस का, वो तो ओपनिंग होता नहीं है, फिर भी मिड ऑफ ईयर से उन्होंने चालू किया, तो उनको पता है जो कितने रजिस्टर्ड से लिया है कितने अनरजिस्टर्ड से लिया है उनको पता है, बट सिस्टम को पता नहीं है, सॉफ्टवेयर को पता नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्होंने दिया ही नहीं बायफरकेट करके, तो इस केस में हम उसको क्या करते हैं नोशनल कर देते हैं। तो मैं सेम इसी को मैं दूसरे में लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा कैप्शन चेंज कर दिया, कैप्शन चेंज करने का मतलब ये था
जो सब आपको पता ही है, एग्जेम्प्टेड कंपोजिशन रजिस्टर्ड इक्वल टू टोटल पेमेंट एंड अनरजिस्टर्ड टोटल पेमेंट प्लस अनरजिस्टर्ड इक्वल टू टोटल अमाउंट। और एक आ गया नोशनल, नोशनल में वो सब चीजें हैं। मैं एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक लॉरी हायर किया, अब हो सकता है लॉरी वाले रजिस्टर्ड तो है लेकिन उन्होंने हमें टैक्स लगा के नहीं दिया तो एग्जेम्प्टेड में चला जाएगा। हो सकता है वो कंपोजिशन में हो और कंपोजिशन वाले टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, वो हमारे कंपोजिशन में आ जाएगा। हो सकता है वो रजिस्टर्ड हो, उन्होंने हमें टैक्स चार्ज करके दिया तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये भी हो सकता है तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है बट उन्होंने हमें जो बिल दिया है तो ना तो टैक्स चार्ज करेगा ना वो रजिस्टर है, वो अनरजिस्टर्ड में चला जाएगा। अब जो है इसमें एक चीज और भी है, अगर मैं अपने अकाउंट में पेबल से करता हूँ, पेबल ना करके मैं कहता हूँ मेरा कोई एक फिक्स एसेट्स है या कोई एक्सपेंस है उसको मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया उस पर, तो डेप्रिसिएशन हमें पता नहीं, डेप्रिसिएशन तो ना तो रजिस्टर्ड होता है ना तो अनरजिस्टर्ड होता है। इस केस में जो भी पार्टी के अलावा, जो हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स बैंक के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो फिर नोशनल में चला जाएगा, जिसका नेचर हमें पता नहीं है ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, वो चला जाएगा नोशनल में। नोशनल देख लेते हैं एक बार, इसमें आपको दिख रहा है एक इन्होंने क्या किया, बैंक चार्जेस टू HDFC डेबिट कार्ड ट्रांजिट। अब डेबिट कार्ड ट्रांजिट क्या है, करंट एसेट्स है। अब एक एक चीज और भी है, हमने कहा एक्सपेंस पे टू पेबल में डाल दिया, फिर बाद में पेबल से पे कर रहे हैं उस पार्टी को, तो वो फिर ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो बेसक तो यही है, पार्टी के नाम से बुक करना चाहिए देन उसको पेमेंट करना चाहिए। जैसे कि मुझे एक लॉरी चार्ज मैंने किसी से हायर किया और मैं सीधा पे कर देता हूँ, पे क्या कर दिया हमने, रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने पे कर दिया, ये तो एक्सपेंस कहीं आया ही नहीं, तो हमें एक्सपेंस अब बुक करना पड़ेगा। अगर हमें एक्सपेंस दिखाना है और ऑडिट रिपोर्ट को फुलफिल करना है तो हमें एक्सपेंस दिखाना है। इसके लिए जो भी अकाउंटेंट वगैरह है वो अपना वे ऑफ भी चेंज करेंगे, आगे से उनको चेंज करना है, बट चलिए ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो है कौन से सेक्शंस में क्यों आ रहा है और कैसे लेके आएंगे, बट अकाउंटिंग भी चेंज होगा इसमें, अकाउंटिंग में चेंज होगा। लेजर बैलेंस, जो लेजर बैलेंस होगा वो होगा टोटल अमाउंट प्लस नोशनल अमाउंट इज लेजर बैलेंस। ताकि हमने इसलिए लेजर बैलेंस दे दिया ताकि जो भी वहां पे दिख रहा है बैलेंस शीट में दिख रहा है वो मैच हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी अकाउंट दिख रहा है बैलेंस दिख रहा है वो यहाँ से लेजर अकाउंट से मैच हो जाए और नोशनल अमाउंट को वो एक बार चेक कर लें इसको क्या करना है हमें। तो ये तो हमारा बेसिस है। अब सेकेंड आ जाते हैं, यहाँ से सेकेंड सेक्शन आ जाते हैं नॉन GST। नॉन GST जैसे पेट्रोल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, लिकर्स हो गए, इस पे GST नहीं लगता है, ये नॉन GST हो गया हमारा। फिर GST नॉट अप्लीकेबल, अब हमें ये भी देखना है जो है तो एक्सपेंस बट GST अप्लीकेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस GST अप्लीकेबल नहीं है बट ये इलेक्ट्रिसिटी जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमें नॉन GST के अंदर। तो इससे हमें होलिस्टिक व्यू भी मिल जाता है, अपने डेटा को भी करेक्ट कर सकते हैं। ये अपने तीन सेक्शंस में, और इसमें भी टोटल अमाउंट, एग्जेम्प्टेड, कंपोजिशन, रजिस्टर्ड, टोटल पेमेंट, अनरजिस्टर्ड, नोशनल अमाउंट, सब एज इट इज सेम उसी बेसिस पे चलता है। ये था व्यू हमारा, जैसे कि मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर GST रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहला है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44 एंटर करेंगे। थोड़ा सा ये चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, और लेजर बैलेंस या नोशनल अमाउंट आपको देखना है या नहीं देखना है। अगर आप नो कहते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मेट मिलेगा जिसमें प्रॉपर होता है जो टोटल अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST रजिस्टर्ड एंटिटी, जो उन्होंने जो कॉलम नेम दिया है एज इट इज उसी नेम से हम बना देते हैं। अगर आप कहते नहीं मुझे अपने पर्पस के लिए भी चाहिए तो फिर उस केस में हमने हेडिंग्स को थोड़ा सॉर्ट कर दिया है बट जो है कंटेंट वही आएगा, इसके अंदर में जो रिपोर्ट्स की वैल्यूज आएंगे वो सेम आएंगे जो उस दोनों में वैल्यूज आएंगे। और आपको पता ही है टोटल अमाउंट, एग्जेम्प्टेड, कंपोजिशन, रजिस्टर्ड सेक्शंस में कहाँ से क्या आने हैं। सो इसी के साथ में ये तो हमारा
रिपोर्ट के पैटर्न था, रिपोर्ट में कहाँ से कौन से वैल्यू ड्राइव होता है वो बताया। किसी की क्वेश्चन हो तो आप प्लीज आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वन टू वन हम रिजॉल्व करने की। ओवर टू करण, करण एक बार आप क्वेश्चन एंड आंसर ले लीजिए।